हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में एक बार फिर बच्चे के इलाज के नाम पर जानलेवा साबित हुआ नीलोफर अस्पताल। जी हां, नीलोफर अस्पताल में एक डॉक्टर की गलती का खामियाजा एक छोटे बच्चे को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल नीलोफर में इस तरीके की घटनाएं होना कोई बड़ी बात नहीं है। आए दिन डॉक्टर इस तरीके की गलतियां करते रहते हैं और मरीज जो इलाज के लिए आते हैं उनकी जान पर बनाती है और कई की तो जानें भी चली जाती हैं। फिर सरकार इंक्वायरी कमेटी बनाती है जिसका कभी कोई परिणाम ही नहीं आता है। आपको बता दें कि नीलोफर अस्पताल बच्चों के इलाज के नाम पर मौत बांटने का भी काम कर रहा है। जी हाँ, और सत्ता में बैठी सरकार के नुमाइंदे अपनी आँख नाक और कान बंद करके बैठे हैं, क्योंकि जो मरता है वो उनका अपना नहीं होता। अगर होता है भी तो पूरा अस्पताल प्रशासन उनके लिए एक पैर पर खड़ा होकर उनका इलाज करता है। सत्ता में बैठे लोगों को सोचना होगा, ये वही लोग हैं जिनकी वोट से जीत कर वो सत्ता के सिंहासन तक पहुँचे हैं। अब देखना ये होगा, क्या सरकार कोई कार्रवाई इन डॉक्टरों पर करती है या एक बार फिर सिर्फ बातें ही करती रह जाएगी, या फिर परिजनों की जांच की मांग ही मांग रह जाएगी। अगर कोई कार्रवाई की भी जाती है या कार्रवाई होने के बाद हालात जस के तस रहते हैं तो इस सब का फायदा क्या? आपको बता दें कि नया मामला इस बार एक छोटी सी गलती ने बच्चे को गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ा देने से चलते उसकी जान चली गई है। घर वाले उस लापरवाही का मामला बताते हुए अस्पताल के प्रबंधन और तेलंगाना सरकार के मुखिया से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि कर्मचारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि उनकी गलती की वजह से किसी और बच्चे की ज़िंदगी ना चली जाए और किसी और का परिवार की ज़िंदगी ना बर्बाद हो जाए। बस बोलिए, ध्रुवन का फादर साहब मैं। बच्चा क्रिटिकल कंडीशन में, 3 मंथ्स का बाबू है, उसको फीवर है बोल के बोले, परसों बोले कि ब्लड ग्रुप चढ़ाने से कुछ नहीं होता, कंडीशन स्टेबल है बोले। अभी कैंसर बोल रहे साहब ये लोग, इनका कैसा निर्लक्ष्य है देखो साहब, नेग्लिजेंस है। अभी कैंसर बोल रहे ये लोग, कैंसर का प्रूफ क्या है बोलो तो नहीं है हमारे पास, वो आते रहता 3 महीना बच्चे को कैंसर आते रहता, वो कैसा देखो साहब। अभी बाहर से रेनबो से डॉक्टर, वो डॉक्टर ना, ये डॉक्टर ना, उसके चक, अभी बच्चे का कंडीशन कुछ भी नहीं है साहब। क्या तो अभी बोले तो हाय बोल रहे, उसका भी रिजल्ट अभी बाहर नहीं कर रहे साहब, वो पूरा नेग्लिजेंस है साहब। उस दिन हुआ तो स्टेबल है बोले, स्टेबल बच्चे को अच्छा करना था तुम, कई को बच्चा अभी स्पॉट पे यहाँ तक आ गया, उसको ब्लीडिंग होता, वीडियोस भी है, प्रूफ भी है, क्या भी होता होता, इंसान से गलती होता बोलता है वो। कौन बोल रहा है इंसान से गलती? वो सुपरिटेंडेंट बोलता सब, होता गलती होता, चढ़ा सकते वो ग्रुप बराबर है बोल के बोलता सब बच्चे का। आपको ये भी बताया गया था ना, दूसरे हॉस्पिटल को ले जाना पड़ता है? हाँ, दूसरा हॉस्पिटल को ले जाओ बोलते साहब ये लोग, मेरे पास पैसे नहीं है, 20 लाख रुपए होता बोल के बोला साहब दूसरा हॉस्पिटल में साहब, ऐसा 20 लाख रुपए बोले तो मेरे जॉब से देना क्या, बच्चे का बीमारी है रख लो बोल के सुपरिटेंडेंट बोलता सब, बच्चे का बीमारी है नहीं साहब, आप जाओ गवर्नमेंट बताया आपको दूसरा हॉस्पिटल ने रेफर कर, रेफर करो बोल के बोला सब, यशोदा बोला, रेनबो बोला, और क्या बोला साहब, ये सीएमसी वेलूर जाना कहते हैं वो साहब, आपने तेलंगाना में नहीं है सो ट्रीटमेंट वेलूर में कहते हैं, वेलूर में ही बच्चा अच्छा होता बोले तो कैसा बेसे साहब कंडीशन है ना बोल के उन लोग ही प्लान कर रहे, कैसा यहाँ से हॉस्पिटल से भिजाना कैसा। हैदराबाद से मोहम्मद हमीद की रिपोर्ट।